कोर्स बिल्कुल मिलवाना चाहिए. आप मिस्टर रघुवंशी के लिए जो भी सोचेंगी वो उनके लिए बेस्ट ही होगा. वो नहीं मानेगा पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ. पता नहीं ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ. आप चिंता मत करिए, मुझे भी लगता है कि मिस्टर रघुवंशी को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए. आपकी भी चिंता खत्म होगी और मिस्टर रघुवंशी भी खुश हो जाएंगे. माँ, अपॉइंटमेंट लेटर मेरे कैबिन में, चलिए साइन कर लीजिए. I'm sorry, Katha. माँ को आपसे ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए था. It's all right. मैं माँ को जानता हूँ और उनका डर समझता भी हूँ. आप चिंता मत करिए, आगे से ये नहीं होगा, मैं इसे हैंडल करूँगा. ऐसी कोई बात नहीं है, it's all good. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे. कथा, आपने जो डिसीजन लिया है मैंने उसका रिस्पेक्ट किया है, तो मैं यही चाहूंगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है आप भी उसकी रिस्पेक्ट करें. यान, आई नो तू अपसेट है. इससे पहले कि तू कुछ कहे, मैं अपनी खुद की गलतियां सुधारने गई थी. मैं कथा से ढंग से नॉर्मली बात करके उसके और मेरे टर्म्स ठीक करने गई थी, क्योंकि शुरुआत में मुझे पता था मैं शायद थोड़ी रूड हो गई थी उससे. तो मैं बात करने लगी और फिर बातों बातों में वो टॉपिक निकल आया. कोई बात नहीं, मैं जानता हूं आप मुझे लेकर बहुत परेशान हैं और मेरा भी इंटेंशन नहीं है मेरी मां का दिल दुखाने का. हम बस प्लीज, हम दोनों मां एक कॉमन डिसीजन पर नहीं आ पा रहे, दैट्स इट. आपने कथा से जो कहा है मुझसे कहिए. व्यान, एक लड़की है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है उसके बारे में. तू मेरे लिए एक बार उससे मिल ले, उसके साथ एक नई शुरुआत कर सकता है तू व्यान. ओके माँ, आप मुझे एक बात बताइए, आपको यही प्रॉब्लम है ना कि कथा एक सिंगल मदर है, पर आप भी तो सिंगल मदर है ना, उसके हस्बैंड अब नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष है? और मुझसे बेहतर ये पोजीशन आप समझ सकती हैं. हाँ, पर मैंने दोबारा शादी नहीं की है ना वियान, मैंने किसी दूसरे आदमी को अपने लाइफ में कोई जगह नहीं दी है. हाँ, तो वो कहाँ जगह दे रही है? मैंने उसे अप्रोच किया, मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई और उसने साफ मना कर दिया. पर फिर ये तो जिद है ना वियान, उसने जब क्लियरली कह दिया है कि तू अगर किसी दूसरी लड़की से शादी करेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तू उसे क्यों अप्रोच कर रहा है? व्यान, एक माँ के लिए भी इतना आसान नहीं होता अपने बच्चे को परेशानी में देखकर, जबकि वो चाहे तो कितना खुश रह सकता है. आपको नहीं लगता कि मैं पहले से ज्यादा अब खुश हूँ? पर ये कैसी खुशी है बेटा? आपको याद है
पहले जब मैं गुरुद्वारे जाता था आप मुझसे पूछती थी मैंने माथा टेका कि नहीं। क्या आपने नोटिस किया है अब मेरा सर बाबा जी के सामने खुद ब खुद झुकने लगा। माँ ये प्यार ही है जो आपको आपके रब से मिला दे, मजबूर कर दे ये मानने के लिए कि वो है और उनकी मेहर है आप पर। अब जब मेरा सर झुका है उनके सामने तो ये तो उनकी रहमत है ना कि वो प्यार दे या इंतजार दे। अब सुकून है मेरे पास, अपने फेट को एक्सेप्ट करने का सुकून, जिसे मैं चाहता हूँ उसके आसपास होने का सुकून, वो मुझसे बात करती है, इस बात का सुकून। और माँ ये काफी है खुश होने के लिए। So that's it, guys. Congratulations and welcome to our family. Congratulations. It's so nice. Earthcon family badi hoti ja rahi hai. I know entrance test kafi mushkil tha, lekin asli test yahan se shuru hoga. To mehnat kariye. And let me tell you, Earthcon ki leadership bahut hi kabil haathon mein hai. Isliye मुझे यकीन है कि ऑथकॉन के साथ साथ आप सब भी ग्रो करेंगे। मुझसे आप लोग मिल चुके हैं लेकिन ऑथकॉन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स एंड मेरे पार्टनर एसन आपसे जल्दी मिलेंगे। फिलहाल हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मेंबर मिसेस तेजी रघुवंशी आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर करेगी। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। कांग्रेचुलेशंस मोनाली। थैंक यू मैम। हर्ष वेलकम टू ऑथकॉन। कांग्रेचुलेशंस। कितना सुंदर नाम है। थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशंस वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू। हमारी आंखें कितनी क्यूरियस हैं। क्यूरियस होनी चाहिए, अर्थकॉन का फ्यूचर है। वानिया, आपको कुछ कहना है? यस। तो कहो। ओ यस मैम, वो एक्चुअली मैं व्यान सर और आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ और आज सबके सामने आपसे पहचान मिली, बहुत अच्छा लगा। इट फील्स गुड। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ओके, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? कांग्रेचुलेशंस। आर यू ओके? पानी चाहिए आपको? नो मैम, ठीक हूँ मैं, आई एम फाइन, थैंक यू। थोड़ी इमोशनल हूँ। मॉम को पता चलेगा मुझे ये जॉब मिल गई तो वो बहुत खुश होंगे, बहुत ही खुश होंगे। पर मैं तो पापा का सोच रही हूँ, वो तो खुशी से झूमेंगे। He'll be so proud. पर आपके पापा तो हाँ वो तो बट आज सातवें आसमान पर होंगे। It's your day. Celebrate जरूर करना। Yes, ma'am. All right, guys. Office tour. चलो, let's go. Please.
ओरिजिनल है, मिस्टर आर पिल्ले के हाथ से स्केच किया हुआ डिजाइन। नो, पैसों से नहीं खरीदा है, हर चीज का दाम नहीं लगाया जा सकता। फिर कैसे मिला आपको? मैं उनसे मिलने गया था, मिस्टर पिल्ले से मिलने गया था मैं। मैंने उन्हें बताया एक यंग आर्किटेक्ट के बारे में, जिसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए ये डिजाइन एक तीर्थ है, अ पिलग्रिमेज। फिर मुझे ये डिजाइन उनके स्टडी पे एक साइड वॉल पर दिखा, और उसके बाद हमारी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हुई, और फिर मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया कि ये स्केच उनके स्टडी के साइड वॉल पर नहीं, बल्कि हम जैसे आर्किटेक्ट्स के बीच में होना चाहिए। स्पेशली समवन जो उनकी तरह बनने का सपना देखता है। ये है आपका सपना, आपके हाथों में। पता है, लोगों ने ना बदनाम करके रखा है सपनों को, दोनों तरह के लोग, शायर टाइप और प्रैक्टिकल टाइप, ग्लोरीफाई करते हैं सपनों का टूटना, मान के चलते हैं कि सपने सच से हमेशा दूर होते हैं, प्यार की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा लगता है कि मान ही लिया है कि उनका साकार होना मुश्किल है। नो नो नो, सपने वो होते जो आपको किसी चीज को हर हाल में पाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सपना ही है जो सच को साकार करता है। विश्वास करना चाहिए सपनों पर, उन्हें अधूरा छोड़ दो तो। लेकिन अगर पूरा करने के लिए लड़ जाओ तो हकीकत बन जाता है। रॉबिन, अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। रेडी हो जाओ मेरी मम्मा से मिलने के लिए। लेट मत होना मम्मा, रॉबिन आपको पूरे 6 बजे क्लब में मिलेगा। हाँ मंकी। हाँ मम्मा, कहाँ हो? अरे बस ऑफिस से निकल रही हूँ, सीधे स्पोर्ट्स क्लब जाऊंगी। तुम कहाँ हो? मम्मा मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप रॉबिन से बात करते रहना, मैं थोड़ी दूर में पहुँच जाऊंगा। एक मिनट, लेट हो जाऊंगा मतलब? ट्यूशन सर ने पनिशमेंट दी है। पनिशमेंट? क्या हुआ, क्या किया तुमने? अरे मम्मा, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी क्लास है, सब शोर मचा रहे थे तो सर ने 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास दे दी। मंकी, एक घंटा मैं क्या बात करूंगी उससे यार, मैं कैसे मिलूंगी रॉबिन से? अरे मम्मा प्लीज, वो वेट कर रहा है। अरे यार मंकी, तुम्हारे फोन में डिस्टर्बेंस क्या हो रही है? तुम्हारा फोन गिरा था क्या? अरे मम्मा फोन नहीं गिरा था, फोन ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ, फ्री होते ही आ जाऊंगा। लेकिन मंकी वो तुम्हारा दोस्त है ना, मैं उससे मिलके क्या बात करूंगी तुम्हारे बिना, और मुझे उससे अकेले नहीं मिलना है। मम्मा काम डाउन, रिलैक्स। आपको पता है रॉबिन राइस दुनिया के सबसे वेल मैनर्ड इंसान है, और प्लान सुनो, प्लान के मुताबिक रॉबिन आपको व्हाइट बेंच पे बैठे मिलेंगे। व्हाइट बेंच पे? और मैंने उनसे बात की है, वो आपको ब्लू जीन्स एंड पिंक शर्ट में मिलेंगे। आई रिपीट, ब्लू जीन्स एंड पिंक शर्ट, ओके? मंकी, तुमको ये ट्यूशन में फोन यूज करना अलाउड है? आए सर। मम्मा बाय बाय बाय, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, ट्यूशन सर आ गए। अच्छा मुझे उसका फोन नंबर तो
मम्मा रॉबिन को ना प्यार हो गया, जिससे प्यार हुआ है ना वो भी सिंगल मदर है। मेरे दोस्त ने बनाया बर्ड विद अ येलो केप। बच्चा है वो, हाँ बड़ा होगा, हाँ बच्चा बहुत ही मैच्योर है एंड बहुत ही कूल। कहाँ मिले आप दोनों? वी गो टू द ड्रॉइंग के लिए इतनी जान ऐसे खतरे में डालना कौन सी समझदारी है? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ड्रॉइंग के लिए नहीं है, ये ड्रॉइंग करने वाले के लिए। आप सोचिए, ये उसने मेरे लिए खरीदा नहीं है, ये उसने बनाया है स्पेशली फॉर मी। मंकी क्या है वो? पर्सनल असाइनमेंट। किसके लिए बना रहे हो? रॉबिन के लिए बना रहा हूँ मम्मा, बताया था ना वो कराटे क्लास वाला। सब अच्छे हो गए? बैटमैन भी रह गया, उसकी मम्मी भी नहीं आई। मामा रॉबिन मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। काश वो लड़की रॉबिन को मेरी नजर से देख पाती, तब उसे पता चलता कि रॉबिन कितना स्पेशल है। स्टेपलर में हाथ क्यों डाला? मैं आपको आवाज देके अनकंफर्टेबल नहीं करना चाह रहा था, दैट्स इट। वक्त के साथ साथ लाइफ भी नहीं रुकती है, और हमें भी दूसरों के लिए नहीं रुकना चाहिए मिस्टर रघुवंशी। मैं रुका नहीं था कथा, मैं चल ही रहा था, बस मुझे ये पता नहीं था कि मैं जा कहां रहा हूं। पर अब मुझे एक रोशनी दिखी है और मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, इस आस में कि एक दिन मैं उससे मिल जाऊंगा। कथा आप कहाँ? स्पोर्ट्स क्लब में। स्पोर्ट्स क्लब? हाँ। नो नो नो, मैं एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड यहाँ रहती, मैं तो उससे मिलने आई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अभी अभी फीलिंग आ रही थी कि आप आसपास ही हैं, और ये देखिए आप सच में मेरे सामने हैं। हवाएं नहीं चली, गिटार नहीं बजा, म्यूजिक नहीं सुनाई पड़ा आपके कानों में। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे फीलिंग आई कि आप आसपास हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इंट्यूशन हो जाती है कभी कभी, इट्स नॉर्मल। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई स्पेशल कनेक्शन है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा था। ऑटो चली, चलो सच में आज तो माहौल बन गया। हाँ, अच्छा हुआ आप लोग आए। और मिसेस आहूजा आप आते रहिएगा, जरूर मैं पक्का आऊंगी, लेकिन वियान की गारंटी मैं नहीं ले सकती। लो वियान आ गया ऑफिस से। नमस्ते आंटी। हेलो। नमस्ते। अभी तो हम चलते हैं बेटा, कहीं और जाना है। बाय 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 आंटी, बाय बाय। दो घंटे से गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन एक बार भी मैंने तेरी शादी की बात नहीं की। इम्प्रूवमेंट है ना? वाव, मुझे पता उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तू टेंशन मत ले,
आगे से मैं किसी से तेरी शादी की बात नहीं करूंगी। माँ आप नाराज मत होइए, मुझे पता है आप जो भी करती हैं मेरी खुशी के लिए करती हैं, और शायद हम दोनों को मेरी खुशी एक चीज में नहीं दिख रही है, पर एक दिन हम दोनों एक डिसीजन पे साथ आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है हम दोनों पर। और माँ मैं इस पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाऊं ना, मैं अपनी माँ से दूर नहीं जा सकता। I know बेटा, पर माँ अपने बच्चों की उंगली कभी नहीं छोड़ती। हाँ लेकिन अगर वो छोड़ दे तो माँ उसे डांट कर वापस उंगली पकड़ लेती है। आपको उस बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपके बेटे ने आपका हाथ पकड़ा है, छूटने का तो चांस ही नहीं, फंस गई हैं आप पूरी जिंदगी के लिए। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, और भाषण मंगाया। अब शेफ वियान को बनाना पड़ेगा बांदा का बेस्ट ब्रुस्केटा विद द ब्लैक ऑलिव एंड द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, डिलीशियोसो। आई विल बी बैक माय लेडी। मम्मा अगर दुनिया गोल है तो नीचे के लोग उल्टे और साइड के लोग टेढ़े होते होंगे ना। सॉरी मंकी, मैं आज रॉबिन से नहीं मिल पाई। इट्स ओके मम्मा, मैं कुछ और प्लान कर लूंगा। मंकी तुम रॉबिन को हमेशा रॉबिन कह के बुलाते हो, उसका नाम नहीं पता। मम्मा ये हमारी सीक्रेट आइडेंटिटी है, और हम दोनों ने एक दूसरे को सीक्रेट प्रॉमिस भी किया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बैटमैन और रॉबिन ही रहेंगे। बैटमैन रॉबिन, लेकिन मंकी दोस्तों में क्या सीक्रेट? आई मीन वो तुम्हारे बारे में तुमसे कुछ कुछ पूछता होगा, तुम्हारा नाम या कुछ और। नहीं मम्मा कुछ याद तो नहीं है, हम लोग क्लब में ही मिलते हैं, और हाँ उसे तो मेरा नाम भी नहीं पता। ऑब्वियसली क्यों पूछेगा, ऑब्वियसली क्यों पूछेगा। और मम्मा एक बात है, उसके भी पापा नहीं है बिल्कुल मेरी तरह, शायद इसलिए हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए। मंकी ये लो ना, चल आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कभी क्लब के बाहर नहीं मिले? तुम तो कह रहे थे तुम्हारे दोस्त के पास कार है, तुम्हें घर नहीं छोड़ने आता या कभी कहीं घुमाता नहीं है, कैसा दोस्त है? मम्मा वो ऑफिस जाता है और मैं स्कूल, हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, एंड एज यू नो मुझे फेवर लेना पसंद नहीं है। गुड। मंकी कभी मैं मिली हूँ क्या उससे? नहीं मम्मा, इसी का तो प्लान था, आपको मिलवाना ही तो था उनसे, और मैंने उनको बोल के भी रखा था कि आपके पास उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चलो अभी मेरा होमवर्क हो गया है, सब बैग पैक करता हूँ। अरे तो पहले सैंडविच खाओ ना। मम्मा टीवी टाइम पे खा लूंगा। हाय, पता है कहां से आ रही हूं? वियान के साथ शेल्टर होम के साइट से। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही थी कथा, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज जब वहां साइट पे खड़ी थी तो सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया। यार कितना डिटेल में सोच समझ के प्लान बनाया है ये, जीनियस है वियान, जीनियस, जस्ट जीनियस। आपको पानी पिला दो। या प्लीज। तो आपके चेहरे की खुशी से साफ साफ दिख रहा है। थैंक यू। वैसे नीरजा जी,
आपको कितना कॉन्फिडेंस है ना मिस्टर रघुवंशी पे. बिल्कुल. मुश्किल में जो काम आए वही होता है असली हीरो. नीजा जी, आप मिस्टर रघुवंशी से हमेशा घर के बाहर ही मिली हैं. वो कभी घर नहीं आए? आया था ना घर पे? आए थे. अरे आया था ना, तुम्हारे लिए खास हाथों से लिखी हुई चिट्ठी छोड़ के गया था, भूल गई? एक निहायत ही हैंडसम एंग्री यंग मैन लुक्स वाला बंदा आया था. नाम तो नहीं बताया पर चिट्ठी छोड़ के गया है. याद दिलाऊं? नो थैंक यू. तो आपने उन्हें बिना चाय पकौड़े खाए बिना तो जाने नहीं दिया होगा. क्या चाय पकौड़े, बाहर से आया और बाहर से चला गया. अब कहती हूँ तो तुम्हारे डर से नहीं आता यार. मेरे हाथ की चाय तो उसने शेल्टर होम में पी ली थी, यहाँ तो वो तुम्हारे हाथों की चाय पीने के लिए आएगा. कहो तो बुला लूँ उसे एक दिन. सॉरी. सब मजाक कर रहे हो यार. वो अकेला थोड़ी ना है जो तुमसे डरता है. नीजा जी, आप जब उनसे मिलती हैं तो कभी वो मेरे या आरव के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछते? जब वो ये प्लान दिखाने आया था तब कहा था मैंने उससे कि मैं उसकी मदद कर देती हूँ, चाहे तो मैं कथा से बात करती हूँ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया. हीरो है ना, बिल्कुल आदर्शवादी, कहता है कोई लाइन नहीं क्रॉस करूंगा. आज तक एक सवाल नहीं पूछा उसने तुम्हारे या आरव के बारे में. यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आता है मेरा हीरो. जेलस मत हो ना. मामा, ओलोकी मैम, मैं घर जा रही हूँ इस वक्त. मैम कुछ अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट. वान्या तुमने अभी अभी तो ऑफिस ज्वाइन किया है. मैम मैं जानती हूँ मैंने अभी ज्वाइन करा है, बट मेरी मम्मा गिर गई हैं, फिसल कर गिर गई हैं वो, एंड आई हैव टू गो. अच्छा लिसन मैम, बचपन में मैं गिरती थी थोड़ी ना, मम्मा किसी बॉस या नेबर की दो बातें सुनने के लिए वेट करती होंगी. नहीं ना, बुढ़ापे में पेरेंट्स बच्चे जैसे हो जाते हैं. आई हैव टू गो. अच्छा लिसन, कोई हेल्प? मम्मा क्या हुआ, आप ठीक तो हो? अरे मैं ठीक हूँ बच्चा. देखो तुम ऑफिस छोड़ के क्यों आ गई? मुझे दीजिए. वैसे तो ठीक ही है. स्ट्रांग हो गई हो? थैंक गॉड सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ. हाँ वैसे ये छोटी मोटी चोटें तो आपकी स्माइल से ही ठीक हो जाएंगी 100%. तो ये आइस पैक वगैरह छोड़ो और आप स्माइल ऑइंटमेंट लगाओ. तो डॉक्टर साहिबा, पेशेंट अगर ठीक है तो खाना ऑर्डर करें यार, बड़ी भूख लगी है मुझे. तो क्या ऑर्डर करें? थाई. तो पैड थाई नूडल्स और ग्रीन करी विद राइस. किसी और को कुछ चाहिए? नो. ओके देन, डन, कर दिया ऑर्डर. ये देखो डोडो, ये है धागा, ये है मेरा टूटने वाला दांत, और वो रिंग. मम्मा, हाय मम्मा. हाय मंकी, हाय. देखो ये वो रहा दरवाजा. अब हमें क्या करना है, सिंपली आप इसको पकड़ो, इसका एक छोर दरवाजे पे बनेगा और एक मेरे दांत पे, फिर आप जोर से दरवाजा बंद कर देना और फिर मेरा दांत ऐसे उड़ के जाएगा, आप ऐसे कैच कर लेना. वाओ डॉक्टर आरव, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बेवकूफ हो. लाओ ये धागा मुझे. नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, ये लो. नहीं क्या मम्मा, ऐसे तो ना मैं डॉक्टर बन पाऊंगा ना इंजीनियर. जब टाइम आएगा तुम सब बन जाओगे मंकी. अभी देखो मैं क्या लेकर आई. क्या? एक न्यू बोर्ड गेम. वाह, खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो. एक मिनट एक मिनट, इसके साथ तो गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनते हैं, अभी लाए. मम्मा आपको पता है, आज रॉबिन ने ना मुझे कराटे में किक सिखाई. नहीं नहीं, हाय हाय, ओ कुमारी, या
बच्चों को समझने में ना सालों लग जाते हैं। आपका जो ये बच्चों का एक्सपीरियंस है ये कहाँ से आ रहा है? एक 8-9 साल के बच्चे से जिसे आप क्लब में मिले, जो आपका दोस्त है। बहुत फर्क होता है फ्रेंडशिप और फादरहुड में। ओके मंकी, वेरी नाइस, अब इधर आओ, बैठ जाओ और रॉबिन को बोलो अपने पंख फैलाए और फुर करके उड़ जाए, क्योंकि मम्मा और मंकी का टाइम। एक सेकंड, कल तो आप बहुत पूछे थे रॉबिन के बारे में, कहीं आपने रॉबिन की हेल्प करने का प्लान तो नहीं चेंज कर दिया? अरे बोलो ना मम्मा, रॉबिन की हेल्प करने का प्लान तो नहीं चेंज किया? अरे रॉबिन रॉबिन क्या, रॉबिन रॉबिन का रट्टा लगा रखा है। देखो ये मम्मा और डोडो का टाइम है, समझे तुम? ये हमारा फैमिली टाइम है, हम तीनों का, समझे? रुका था, बिल्कुल सही कह रही थी। क्या साइंस में प्रॉब्लम है? क्या बात कर रहा है भाई, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। या एग्जैक्टली, क्योंकि हम दोनों फादर्स की तरह नहीं बैचलर्स की तरह सोच रहे। तो ये क्या बात हुई? अरे नहीं बनना मुझे बाप इतनी छोटी उम्र में यार। अब डॉक्टर नहीं है तो क्या हम हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते क्या? अच्छा चल ठीक है, 2-4 बाप को बुला के उनकी भी राय ले लेंगे। खुश ब्रो, मेडिकल फील्ड एक साइंस है, 2+2=4 होता है, पर ये फादरहुड है। फादरहुड में कोई रूल्स नहीं होते, इट्स वेरी डिफरेंट। तो क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे तो हम कभी भी किसी भी चीज का सही डिजाइन बना ही नहीं पाएंगे जिसमें कोई हम बाप नहीं है। It's not the same. अच्छा चल ठीक है, ये सब छोड़, ये बता कथा क्या बोल रही है? उसने मुझे ये रियलाइज करवा दिया कि मैं एक पेरेंट की तरह सोच ही नहीं सकता। उसके कोई भी लॉजिक सा जवाब नहीं था मेरे पास। हाँ मैं बच्चों के लिए एक ड्रीमलैंड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, पर किसके पर्सपेक्टिव से? मेरे, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। फादरहुड तो एक लंबी लर्निंग प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कभी। इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरे पास। तो फिर अब पेरेंटिंग और इसके वेरियस स्टेप्स के बारे में मुझे जानना चाहिए, है ना? मम्मा, बस एक बार मेरा दांत टूट जाए फिर तो मैं रात में उसे अपने तके के नीचे रख दूंगा टूथ फेरी के लिए, और फिर टूथ फेरी से रॉबिन के लिए उस लड़की को मांग लूंगा। हाउ क्यूट। अच्छा तो ये प्लान था? हाँ तभी इतनी जल्दी थी अपना दांत तोड़ने की। तो मंकी, मम्मा के लिए कुछ नहीं मांगोगे? सुपर। मांगूंगा ना कि हम दोनों के बीच कोई ना आए और हम दोनों हमेशा साथ रहे। बढ़िया है, तो फेरी भी कंफ्यूज हो जाएगी किसकी विश पूरी करूं। ध्यान प्लीज यार, तू अब फिर से शुरू मत हो जाना। सुन, अगर मुझे कथा को अपने लाइफ में लाना होगा तो उसके बेटे को सही तरीके से अपनाना होगा, राइट? और इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फादरहुड होता क्या है एंड बाप बनने की फीलिंग क्या होती है। और ये मैं सिर्फ तब समझूंगा जब मैं इसे एक्सपीरियंस करूंगा। तो इसके वेरियस स्टेप्स हैं और इससे मुझे गुजरना होगा। इतने सालों में ना एक चीज मुझे अब रियलाइज हो रही है। व्हाट? कि तुझे हर चीज कॉम्प्लिकेटेड बनाने का शौक है। कॉम्प्लिकेट करने का शौक नहीं मुझे, हर चीज को सही तरीके से करने का शौक है। एंड देयर इज अ डिफरेंस। कुछ नहीं हो सकता भाई इसका। बाप बनना भाई को। ले भाई, दिस माइट हेल्प। फिर TML से तो कुछ नहीं होगा भाई, 60 ml तो पीना ही पड़ेगा। अरे तू फिर से गूगल कर रहा है फादर बनने का तरीका? और कोई तरीका है तेरे पास? क्योंकि ये 4 दिन का काम नहीं है, पूरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नीड टू टेक इट सीरियसली ब्रो। ये मेरे लिए ना एक गोल की तरह है जो मुझे पूरा करना होगा, तो मैं इसे एक प्रॉपर कोर्स की तरह ट्रीट करूंगा और हर नजरिए से तैयार होऊंगा मैं। अरे पर व्यान, फादर बनने का कोई कोर्स है क्या? वैसे ही समझ ले। और इस कोर्स में मुझे पास नहीं होना है, टॉप करना है।
तो दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन और सारी लर्निंग मैं लूंगा। तेरे को जो करना है कर, तू खो जा अपनी पढ़ाई में, मैं तो अपनी ड्रिंक में खोने जा रहा हूं। सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी का गर्भावस्था में अत्यधिक ध्यान रखे, शिशु जन्म ले दो अपना। एक सेकंड है क्या, शिशु जन्म ले दो, प्रसूति कक्ष में होना बहुत आवश्यक है भाई। एक सेकंड, क्या है ये सब? अरे प्रसूति कक्ष क्या होता है? मैटरनिटी वार्ड। अगर मुझे बच्चे के लाइफ के स्टेप्स एक्सपीरियंस करने हैं तो मुझे पहले से शुरू करना होगा ना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अरे नहीं करना शुरू, करना है शुरू। इनफैक्ट मुझे ये भी समझना है कि बाप को बच्चा पैदा होने से पहले क्या महसूस होता है। इट इज नेसेसरी। तुझे पता है सब कुछ कितना अर्जेंट होता है? बच्चा कभी भी आ सकता है। फिर अपने पार्टनर को मैटरनिटी वार्ड में देखना और फिर उस बच्चे की चिंता करना जो अभी भी वूम से बाहर नहीं आया, बच्चे को पहली बार छूना, उसे अपने हाथों में लेना और उसे खाना खिलाना है। इट्स नाइस, यू नो। तू रात को क्या पी के सोया था? क्योंकि तेरी मेरी ड्रिंक तो सेम थी भाई। अभी ये सब क्या, कैसी बातें कर रहा है? नेसेसरी भाई, इस सब के लिए ना आपको एक बीवी चाहिए। Yes. Right? हाँ, और एक प्रेग्नेंट लड़की चाहिए। Yes. यहाँ लड़की नहीं है, तेरे को प्रेग्नेंट लड़की चाहिए। Wow. So what? कहीं से भी मिल सकती है हमको। प्रेग्नेंट लड़की तो है, ढूंढ लेंगे हम। और मुझे करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना है, उन्हें समझना है एंड समझ लूंगा। बस यार बीवी, किसी की बीवी प्रेग्नेंट होगी उस तो इतनी लड़कियों को जानता है तो। हाँ तो ओ हेलो 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 भाई साहब, थम जा एक सेकंड। ये लड़की किसको चाहिए? आपको। हाँ। फादर बनने का कोर्स कौन कर रहा है? आप सर, ये प्रेग्नेंट लड़की भी ना आप खुद ही ढूंढिएगा। अरे चीची करने से कुछ नहीं होगा भाई, प्यार में पागल होना किसे कहते हैं ना, पता लग गया। तुझे जो सोचना है ना तू सोच ले, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इससे पहले मैंने भी कभी ये सब नहीं सोचा था, पर अब जो सोच रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि यार कितना कुछ नहीं पता है मुझे। अगर मैं नहीं समझूं तो पता है क्या होगा, मैं सिर्फ इमेजिन करता रहूंगा पेरेंटहुड होता क्या है। कहाँ फंस गया? मुझे ये करना है और पूरी शिद्दत से करना है, एंड आई एम गोना डू इट। पर इससे पहले मुझे एक और चीज करनी है। अरे वाह मंकी, स्ट्रेचिंग रेचिंग। घर में योगा इंस्ट्रक्टर है लेकिन तुमने तो कभी योगा का यो भी नहीं बोला, इतना हृदय परिवर्तन कैसे? मम्मा देखो ना, साइड स्ट्रेचिंग नहीं हो पा रही है अच्छे से, फ्रंट हो जा रही है। लेकिन मम्मा यू वर राइट, स्ट्रेचिंग हेल्प्स। स्ट्रेचिंग करने से मसल इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते। ओह मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मम्मा रॉबिन ने बताया, अब से रोज रॉबिन मुझे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं ना। मम्मा रॉबिन ने मेरे ऊपर ना बैन लगा दिया है कि स्ट्रेचिंग करने से पहले नो कूदा फांदी। मम्मा आपको पता है रॉबिन के हाथ में चोट लग गई है, वो स्क्वॉश भी नहीं खेल पाता, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्सरसाइज के लिए वो क्लब आता है।
चलो मम्मा मेरी स्ट्रेचिंग तो हो गई है, अभी मैं जल्दी जाकर रेडी हो जाता हूँ। चलो जाओ बैग पैक करो। ठीक है। क्या हुआ, स्टैचू क्यों हो गई? नीरजा जी, मुझे लगता है मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तुमसे? यार तुम तो परफेक्शन की देवी हो। बोलो क्या हुआ? मनावला प्रोजेक्ट याद है आपको? वही जहां हीरोइन मेरे हीरो के साथ फंस गई थी। मजाक कर रही हूं, याद है मुझे। बोलो क्या हुआ? तो सोनावला प्रोजेक्ट में मिस्टर रघुवंशी बच्चों के लिए एक रिक्रिएशनल एरिया बनाना चाहते हैं। उनका डिजाइन किड्स फ्रेंडली तो है लेकिन पेरेंट्स फ्रेंडली नहीं है। आप समझ रही है ना, मतलब माँ बाप की चिंता नहीं समझते हैं। समझती हूँ। बैचलर जो है बेचारा। हाँ तो मैंने उन्हें बोल दिया कि बच्चे का दोस्त होना और बच्चे का फादर होना दो अलग अलग बातें हैं। और भी कुछ कुछ बोल दिया जिसका मतलब यही था कि अगर वो फादरहुड को समझते तो वो ऐसा प्लान नहीं बनाते। फिर मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। उनका अपना रिश्ता अपने फादर के साथ बहुत अच्छा नहीं था और ये सब बोल के मुझे लगता है मैंने उनके ट्रॉमा को और बढ़ा दिया। कहीं वो ये ना सोचने लगे कि वो कभी अच्छे फादर नहीं बन पाएंगे। Ouch. That must have hurt. Just asking, वो अच्छा बाप बने या ना बने उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नीरजा जी, कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की से तो वो शादी करेंगे, बाप तो बनेंगे। उनके दिमाग में ऐसा नेगेटिव इमोशन नहीं डालना चाहिए था मुझे। मैंने देखा है उन्हें स्ट्रगल करते हुए। स्ट्रगल तो कर रहा है बेचारा। अरे यार, अपने फादर के साथ इश्यूज को लेके स्ट्रगल करते हुए। आपका तो वन ट्रैक माइंड है, आपसे तो बात ही करना बेकार है। मुझे नहीं बात करनी आपसे। कल रात मैंने पेरेंटिंग और फादरहुड पे बहुत कुछ पढ़ा पर सब एक ही बात कहते हैं कि आपका आपके फादर से रिलेशनशिप की रिफ्लेक्शन होती है आपकी और आपकी बेटी की रिलेशनशिप। तू तो मेरा और मिस्टर विराज रघुवंशी का रिश्ता तो जानता ही है। मैं नहीं चाहता वो नेगेटिव रिलेशनशिप का शैडो मेरे नए रिश्तों पर पड़े, क्योंकि रह रह के वो सामने आती रहेगी और मेरे नए सफर को भी पेनफुल बना देगी। यार लेकिन इतने सालों का पेन इतनी आसानी से कैसे चला जाएगा भाई? देखो कथा, अगर तुमने उसकी किसी सोई हुई याद को छेड़ दिया है तो उसे भुलाने में तुम्हें ही मदद करनी होगी। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानता यार, बस इतना जानता हूं कि जाने अनजाने में मैं अपने पास से भाग रहा था और अब कथा की वजह से ये फिर से मेरे सामने आ गया है। मुझे इसे फेस करना होगा ताकि मुझे थोड़ी शांति मिल सके। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।